ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बीमा की राशि का भुगतान चेक से करें, आपका चेक कैश भी हो जाए लेकिन पैसा बीमा कंपनी तक ना पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान राजधानी दिल्ली में LIC के नाम पर लाखों की ठगी का ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों की तलाश तेजी के साथ की जा रही है। आप अपनी बीमा की राशि का भुगतान चेक से करें, आपका चेक कैश भी हो जाए लेकिन पैसा बीमा कंपनी तक नहीं पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान राजधानी दिल्ली में LIC के नाम पर लाखों की ठगी का ऐसा ही मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। ये दिल्ली में छोटा मोटा काम कर जीवन बसर करने वाले लोग हैं। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और आगे बढ़ने की ललक के कारण ये लोग बीमा एजेंट बने, कई लोगों की पॉलिसी भी करवाई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान प्रीमियम भरने में आ रही परेशानी इन पर भारी पड़ गई। ये दीपिका है जिन्होंने अपने कुछ जान पहचान वालों का बीमा भी करा रखा है। पॉलिसी धारक समय समय पर प्रीमियम के पैसे दीपिका को ही दे देते थे। दीपिका का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बीमा कंपनी के दफ्तर नहीं जा सकने की वजह से उसने कंपनी के अधिकारी सुभाष धर को फोन किया तो उन्होंने एक सीनियर एजेंट दिलीप को पैसे देने को कहा। दीपिका ने ऐसा ही किया, उसे प्रीमियम की रसीद भी मिली, लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकल गए लेकिन बीमा कंपनी के अकाउंट में नहीं पहुंचे। ये जो कोरोना आया ना सर मार्च में, तो फरवरी के बाद हम लोगों को ये ऐसा बोलना शुरू हो गया कि कोरोना के वजह से हो सकता है कि ऑफिस में स्टाफ को कम रखा जाए, तो आप लोग एक काम कीजिए, हमारे सुभाष जो DO हैं उन्होंने कहा कि आपके लिए ही हमने वहाँ दिलीप कुमार को बैठा के रखा है, वो कब काम आएगा इसी दौरान ना, तो आप जो अपना नया प्रीमियम है और पुराना जो आपका जमा करने वाला है आप दिलीप को दे सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिलीप जमा करके आपको रसीद दे देगा। दीपिका की तरह तीरथ राज को भी ठगा गया। तीरथ राज ने भी अपने अलावा कुछ और लोगों की पॉलिसी के प्रीमियम का पैसा दिलीप को दे दिया, उसके चेक कैश भी हो गए, दिलीप ने रसीद भी दे दी। बीमा कंपनी से कुछ महीनों बाद पॉलिसी के पैसे जमा ना होने का फोन आया तो तीरथ राज को खुद के ठगे जाने की जानकारी हुई। हमारी जान पहचान में तो करीब करीब में हमारा तो खुद ही 46,000 रुपए लेके भगे, ये बहन का 6-6.5 लाख रुपए लेके भगे, एक ये शिल्पा बहन है जो है सर, इनका तो इतना लूटे हैं सर जी LIC के नाम पे। ये बहन जो है किस्त जमा करने जाती थी जिसको फर्जी रसीद दिया जाता था। तीरथ राज की तरह दिलीप को जिसने भी पैसे दिए उसके फोन घनघनाने लगे। इसी तरह से शिल्पा भी ठगी गई। काफी तलाश के बाद शिल्पा ने एक दिन दिलीप को पकड़ भी लिया। शिल्पा के मुताबिक दिलीप ने बताया कि इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड वही बीमा अधिकारी सुभाष धर था, जिसके कहने से इन सारे जूनियर एजेंट्स ने अपने चेक दिलीप को दिए थे। सारे चेक सुभाष धर के संबंधी के अकाउंट में जमा हुए थे। इस फर्जीवाड़े ने जूनियर एजेंटों को कई लाख का चूना लगा दिया। रसीद के नाम पर इन्हें पुरानी रसीदों को करीने से सजाकर और उनकी तारीख बदल कर दे दिया जाता था। पेमेंट ऐसे टाइम पर दिखाया जाता था जिस वक्त इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सुभाष धर ड्यूटी पर हो। पैसे मिलने के बारे में जब ये जूनियर एजेंट धर से पूछते थे तो उन्हें हाँ में जवाब दे दिया करता था। कम पढ़े लिखे एजेंटों के साथ धोखाधड़ी के इस मामले को पूरे गोरख धंधे को लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिया गया। अब जाकर पता चला कि जो पैसे इन जूनियर एजेंटों ने दिए वो कभी बीमा कंपनी के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। फिलहाल पूरे मामले को समझने के बाद पुलिस ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है जिसकी जांच की जा रही है और जल्दी फर्जीवाड़ा करने वालों की धरपकड़ की जाएगी। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।